पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले ही किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से किसी भी लीडर से किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र। कश्मीर कल जा ही रहा हूं, उनसे वहां मीटिंग होगी और इसी संख्या को मैच करते हुए आप मीडिया भी इसी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों में जब से हमने नई पार्टी की चर्चा की और जम्मू कश्मीर में आए, तो चाहे वो स्टेट का मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन तक ये जितनी जितनी गतिविधियां हमारी बढ़ती जाएंगी उतनी उतनी उतना ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक है या सहयोगी हैं, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, उसका झंडा कैसा होगा। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी रिकॉग्नाइज पार्टियां नेशनल और रीजनल हैं और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है, बड़े दो रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स हैं, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं, तो सबकी समझ में आए, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं शहरों में, गांधी इधर आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों, उनकी जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम भेजे, कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है, लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। तो वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थी और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो उस नाम के, शांति भी उसके अंदर हो और स्वतंत्र भी हो, स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो और अपनी सोच
पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए उस पार्टी इस पार्टी से समझौता। हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है और किसी पार्टी से समझौता न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहां बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो नेशनल हो कोई कानो कान खबर नहीं है और न नाम की खबर है न पार्टी बनाने की खबर थी और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच अपना दृष्टिकोण अलग अपनी विचारधारा वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी जिस विचारधारा से हमको आजादी मिली और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान मजदूर नौजवान और फ्रीडम फाइटर थे वही विचारधारा हमारी चल रही। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा कोई गुरुद्वारे में जाएगा कोई मंदिर में जाएगा कोई मस्जिद में जाएगा कोई चर्च में जाएगा पूरी आजादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए हमारा। राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है सब धर्मों का इज्जत है और सब पार्टीज की भी इज्जत है।